हेलो गाइस, वेलकम है सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज हम देखने आए हैं थिएटर में आदि पुरुष, और पब्लिक एक्साइटेड इतनी है, काफ़ी भीड़ हो रही है पहले शो पर, और काफ़ी अच्छी मूवी बताई जा रही है। तो बाकी तो देखकर ही पता चलता है चलेगा। तो हमने छोटी सी फोटो क्लिक कराई है यहाँ पर फ्रेंड की, और अब एंट्री हो चुकी है हमारी, एंट्री होनी शुरू हो गई है, अभी वेटिंग नहीं है। और कितनी भीड़ है, और हमारी जो सेकेंड स्क्रीन है अभी कुछ खाने का दिख रहे हैं, हम वेटिंग में चलिए चलते हैं अंदर। और अंदर भी देख सकते हैं आप, काफ़ी मतलब हाउसफुल है पूरा, और लोग इतने एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए, आदि पुरुष के लिए, अपने बच्चों को ले लेकर आए हैं, ताकि एक रामायण और राम जी का चरित्र बच्चों को समझा सके। तो अब हो गई ये मूवी स्टार्ट, चलिए एंजॉय करते हैं और आप भी देखिए। जय श्री राम। आज हम आदि पुरुष के बारे में बात करने वाले हैं। आदि पुरुष ने सबको इतना डिसअपॉइंटेड कर दिया है इस मूवी को लेकर। अगर बायकॉट किया जाए तो प्लीज़ बायकॉट कीजिए उस मूवी को लेकर, क्योंकि उसमें सीता माता को लेकर, हनुमान जी को लेकर ऐसे अपशब्द किए गए हैं और ऐसी टिप्पणी की गई है कि मतलब देखकर भी अजीब ही लग रहा है। अपने बच्चों को हम क्या सिखाएं, क्या शिक्षा दें कि ये राम है हमारे, ये रावण है, ये सीता माता है हमारी। जो सीता माता है वो मॉडर्न हो गई हैं काफ़ी हद तक, मतलब बिल्कुल ही रामायण को चेंज कर दिया गया, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो उन्होंने डायरेक्टर ने, मेकर ने पता नहीं क्या समझ कर, क्या हिंदुओं की भावना को ठेस पहुँचाई है। काफ़ी बहुत ही बुरा लगा है। रावण जो है, जो लंकेश्वर है, वो उनकी सोने की लंका थी, उनको कोयले की लंका बना दी गई। 2 मिनट के अंदर उन्होंने सारा काला, एक तो पूरी फिल्म ब्लैक है, ना दिन का पता चल रहा है ना रात का पता चल रहा है, और दूसरा और रावण का लुक तो ऐसा कर दिया है जैसे कि खिलजी होते हैं ना उनकी तरह, वो करते हैं, उन्हें वेल्डिंग बना दिया है, वो तलवारों को ठीक कर रहे हैं, वो कुट लगा के इस तरह से कर करके। और जो हमारे हनुमान जी हैं उनको तो बस शेविंग कर रखी है, मूंछ मतलब वगैरह तो कुछ है ही नहीं, और कानन कुंडल तो कहीं से कहीं तक नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगी कि हमारे हिंदुत्व की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया, जो कि बहुत ही बुरा लग रहा है उस चीज़ को लेकर। तो प्लीज़ बायकॉट कीजिए इस मूवी को, प्लीज़ ना देखें जो भी है।